हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन नंबर रह गया था 6 में 13.6 में 8। चलिए आज वही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.6 का 8वां, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है, एक अस्पताल में रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोले में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? तो एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में, तो लिखेंगे बेलनाकार सूप के कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर, बेलनाकार सूप के कटोरे की त्रिज्या व्यास की आधी, ठीक है ना, सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है, कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। बेलनाकार कटोरे में सूप की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तक भर दिया जाता है, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। बेलनाकार सूप के कटोरे का आयतन, बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7/2 इंटू एच का मान 4, 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 4, 7 से 7, 2 दूनी 4, कितना हुआ, 154 घन सेंटीमीटर। क्लियर? आगे क्या कहता है हमसे, आगे कहता है 250 रोगियों के लिए सूप जो हमें चाहिए, लिखेंगे 250 रोगियों के लिए सूप, एक रोगी के लिए आयतन उसका इतना है, तो इतना एक रोगी के लिए, लेकिन हमें 250 रोगी के लिए देना है, तो इतना हो गया। इसकी आप गुणा करा दीजिए, ठीक है ना, इसी गुणा कराओगे तो 38,500 आपका आता है, ठीक है ना। 38,500 घन सेंटीमीटर। अब आयतन, ठीक है ना, लीटर में हमको चाहिए, तो लीटर के लिए आप क्या करोगे, 500 1000 से भाग कर दीजिए, तो 3 8.5 लीटर, 38.5 लीटर हमें टोटल जो है चाहिए 250 मरीजों के लिए। क्लियर?
ओके है ना, क्लियर है ना। देखो बेटा सिंपल सा फंडा है, कोई भी चीज है, गिलास है या बोतल है, जिसका उसका जितना आयतन होगा उसमें उतना ही पानी आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, आयतन निकाल दो। आयतन निकल आया, कितने रोगियों के लिए? एक रोगी के लिए अगर मैं इतना यूज करूंगा तो 250 के लिए इतने गुणा करा दो, वो घन सेंटीमीटर ही, घन सेंटीमीटर में था, लीटर में कन्वर्ट कर दो। लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 38.5 लीटर जो है 250 रोगियों को दिया जाता है। हो गया सवाल इस, अब ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, अगली प्रश्नावली है तो वो अगले सवाल, नई प्रश्नावली तो वो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी। धन्यवाद।